देसी मैक्रोनी बनाने। अब मैं इसे पानी और नमक डाल के मीडियम गैस पे रख दूंगी उबालने के लिए। ये मैंने पानी रख दिया है मैक्रोनी में डाल के और उबालने के लिए रखा है। मैंने एक तरफ ये उबलने के लिए रखा है और एक तरफ कढ़ाई गरम कर रही हूँ, उसमें तेल डालती हूँ। इसमें मैंने तेल डाल दिया है और इसमें सब्जियाँ तड़का दूंगी। सब्जी लोगों का तेल गरम हो गया है, उसमें हम लोग प्याज डालेंगे, पहले हम लोग गाजर डालेंगे और शिमला मिर्च डालेंगे और साथ में पत्ता गोभी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा शेजवान चटनी डालेंगे, लगभग एक चम्मच। अब इसमें हम लोग दो चम्मच मायो डालेंगे। ये देखिए, तब तक हमारा ये भी बहुत अच्छे से उबल गया है। अब इसका पानी हम लोग निकाल देंगे और इसमें एक चम्मच हम लोग पास्ता सॉस डालेंगे। अब इसमें ये जो पास्ता उबला था वो डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे, हमारा पास्ता का नाश्ता रेडी है। हमारा पास्ता रेडी है, अब गर्मा गर्म इसको परोसेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।